हे गाइस, नमस्कार, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो यार, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तीन जबरदस्त MIUI 12 थर्ड पार्टी प्रीमियम थीम्स के बारे में, जो कि भाई बहुत ही यूनिक लगता है, अपने आप में बहुत ही कूल है, और यहाँ पे आपके जो डिवाइस का लुक है वो और भी ज़्यादा बेहतर कर देगा। होम स्क्रीन की बात करो या फिर आप लॉक स्क्रीन की बात करो, सब कुछ अच्छे से हम बात करेंगे इस तीन थीम्स के बारे में। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे UI चेंजेस मिलेंगे देखने को, और यहाँ पे कुछ विजेट्स भी हैं, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सब कुछ ऐसे में बात करेंगे इस तीन थीम्स के बारे में, इस तीन कुल UI थीम्स के बारे में। भाई, मुझे बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई प्लीज़ एक थर्ड पार्टी थीम का वीडियो बनाओ। सबको बोल रहे थे कि भाई थर्ड पार्टी थीम प्रीमियम थीम्स लाओ, फिर से लाओ। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी थीम्स का मजा ही कुछ और है। हालांकि मुझे पता है कि यहाँ पे थीम स्टोर में अलाउ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे फिर भी आप यहाँ पे थर्ड पार्टी थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हो अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में, किसी भी Xiaomi डिवाइस में, चाहे वो Redmi हो, Poco हो या फिर MI का हो, ठीक है। तो गाइस, वीडियो में इन तक बनाना, चैनल पर लगा, चैनल को क्या करने सभी को पता है। तो गाइस, मेरा नाम है अनिश रॉय, आप देख रहे हो टेक्नो प्रभु। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो यार, हमारे पास जो थीम है वो सबसे पहला थीम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कैट हाउस का। और ये सब कुछ डेवलपर जो है, डेवलपर का मैं नाम, मतलब ये तीनों जो थीम है मैं आज रिव्यू करूंगा। तो ये तीनों थीम एक ही डेवलपर ने बनाया है, एक ही डेवलपर ने डिजाइन किया है। उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे सब कुछ आपको क्रिएटिव वगैरह मिल जाएगा। और ऐसे थीम्स अगर आपको चाहिए तो उनके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। तो यार, सबसे पहले इसको हम अप्लाई कर देते हैं। ज़्यादा अप्लाई करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इसको होम पे जाना, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे बड़ा चेंज वो है इसका क्विक सेटिंग्स। यहाँ पे आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, और आप देख सकते हो जैसे ही आप इसको किसी को भी इनेबल करोगे तो आपको यहाँ पे बिल्ली जो है वो ऊपर चला जाता है। तो आप फिर से देख सकते हो, जैसे मैं इसको यहाँ पे डिसेबल करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये बिल्ली नीचे चला आया है। फिर से हम इसको यहाँ पे इनेबल करेंगे तो यहाँ पर चला जाता है। तो यहाँ पे इसको हम ऑफ करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा एक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा बिल्ली के हाथ का, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है पेट का। तो वैसे आपको कुछ स्टेप का देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका ब्राइटनेस स्लाइडर भी कुछ स्टेप का देखने को मिलता है। यहाँ पे बिल्ली का, यहाँ पे हाथ का निशान है, और यहाँ पे नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको सब कुछ आइकन पैक वगैरह जो है चेंज ही देखने को मिल जाता है। और सब आइकन पैक में ना एक बॉर्डर दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर का बॉर्डर दिया गया है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में आपको देख सकते हो बिल्ली का मुंह दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सब आप बिल्ली आप कह सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका वॉल्यूम पैनल भी नॉर्मल सा ही है। इसका यहाँ पे और एक बड़ा चेंज है, वो है इसका बैटरी आइकन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बैटरी आइकन में आपको यहाँ पे बिल्ली का जो सींग है, मतलब बिल्ली का जो यहाँ पे कान वगैरह है, वो आपको यहाँ पे बैटरी के ऊपर दिया गया है, और 95% चार्ज दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ पे इनेबल करते हैं इंटरनेट, तो आप यहाँ पे इंटरनेट का स्पीड वगैरह सब कुछ नॉर्मली दिखाई देगा। और यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा सेटिंग्स की, तो सेटिंग्स में हम ले चलते हैं आपको। तो हम सेटिंग्स में ले चलते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग्स का जो आइकन है, यहाँ पे आपको लुक जो है वो सब चेंज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो कुछ अलग टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पे जो ये स्टोरेज का जो कलर है ये ब्लू रहता है नॉर्मली, यहाँ पे आपको अलग से कलर देखने को मिलता है ग्रीनिश का, हल्का सा थोड़ा सा ग्रीन टोन दिया गया है। बैक चल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आइकन पैक जो है, ये आइकन वगैरह जो यहाँ पे जो टॉगल वगैरह है ये सेटिंग्स का, वो बहुत ही मस्त लगता है। और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो सर्च बार, ये भी अलग सा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप सर्च वगैरह कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें इसके कॉलर ऐप की, तो वैसे कॉलर आपको कुछ स्टेप का देखने को मिलता है। डायलर की बात करें तो एक डायल कर लेते हैं हम लोग नंबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्टेप का देखने को मिल जाता है, नॉर्मल सा ही आपको देखने को मिलता है, अदरवाइज यहाँ पे सेम ही है, ठीक है। बैक चला जाता है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका मैसेजिंग ऐप, तो मैसेजिंग अभी कुछ यहाँ पे खास देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको वैसा ही देखने को मिलता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये मेरा MIUI 12 है, ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट MIUI चल रहा है तो शायद उसमें अच्छे तरीके से सब कुछ आपको विजिबल हो चेंजेस, तो मैं यहाँ पे अपडेट वगैरह नहीं देता है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आपको देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे जो UI फुल्ली चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, अदरवाइज आपका जो अगर आपका MIUI 12.5 से ऊपर है तो यहाँ पे आपको जो चेंजेस है वो अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जैसे आप किसी भी डायलर पैड, जैसे कि मैंने डायलर पैड को ओपन किया है, तो आप देख सकते हो डायलर पैड का यहाँ पे आपको एक एनिमेशन देखने को मिलता है। फिर से मैं आपको दिखा दूँ, तो ये आप देख सकते हो कुछ स्टेप का एनिमेशन देखने को मिलता है। मैसेजिंग ऐप का भी कुछ स्टेप का देखने को मिलता है। यहाँ पे म्यूजिक ऐप की बात करें, म्यूजिक ऐप मुझे लगता नहीं है कि चेंज है, तो यहाँ पे ये दोनों आपको देखने को मिलता है एनिमेशन। तो यहाँ पे इसका चार्जिंग एनिमेशन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, और लॉक स्क्रीन दिखा दूँ। तो सबसे पहले हम इसके चार्जिंग एनिमेशन को ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इसे चार्ज पे लगाया, आप देख सकते हो कि ये वाला आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। और अगर आप इसे पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे MIUI इज थिंकिंग अबाउट समथिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का छोटा तरीके से आपको लिखा दिखाई दे रहा है।
तो ये आप अप्लाई करोगे तभी आपको दिखाई देगा। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो चार्जिंग एनिमेशन है वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है बिल्ली के हाथ का, और यहाँ पे साइड में यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है क्या है नहीं है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको इस साइड में आएगा, तो बहुत ही अलग सा बहुत ही प्रीमियम लुक देगा आपके एक डिवाइस को। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस थीम का लॉक स्क्रीन आप अपने डिवाइस में सेट करो, और दूसरा कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे स्लाइडिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस नेक्स्ट थीम की ओर बढ़ते हैं। तो यार नेक्स्ट थीम को अप्लाई करते ही आपका यहाँ पे यूआई जो है एकदम खतरनाक तरीके से चेंज हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो आइकन पैक है वो नॉर्मल से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा एंड्रॉइड 12 का लुक दिया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो यहाँ पे वॉल्यूम पैनल वो भी कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। अगर आपका यहाँ पे MIUI 12.5 से ऊपर है आपका यहाँ पे MIUI वर्जन, तो यहाँ पे आपको जो चेंज लग है वो और भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ अच्छी बात है कि इसमें आपको डार्क थीम और लाइट थीम का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे डार्क मोड और लाइट मोड भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे जैसे मैं इसको डार्क मोड में लेके चलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क मोड में भी ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम जल्दी से सेटिंग्स को ले चलते हैं। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है नॉर्मल सा। तो यहाँ पे हम डार्क मोड से लाइट मोड में स्विच करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट मोड में अच्छा खासा चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे अबाउट फोन की बात करें, अबाउट फोन में आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पे वो ब्लू वाला जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का ब्लू में देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एंड्रॉइड 12 का यहाँ पे मोनेट टाइप का कुछ इस टाइप का आपको बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। अबाउट फोन को हम लोग यहाँ पे एग्जिट करते हो, और आप देख सकते हो कि सेटिंग्स में ये जो टॉगल्स वगैरह ना ये भी काफ़ी प्रीमियम सा लगता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे थोड़ा सा लॉक स्क्रीन की, लॉक स्क्रीन में मैं आपको ले चलता हूँ। तो लॉक स्क्रीन जो है इस थीम का सबसे अच्छा चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो जिस टाइप का आपको देखने को मिलता है, जैसे इसको इनेबल करोगे यहाँ पे म्यूज़िक में, यहाँ पे इसको प्ले करोगे तो यहाँ पे आपको म्यूज़िक प्ले होता हुआ दिख जाएगा। तो अभी थोड़ा यहाँ पे टाइम ले रहा है, A few moments later. ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेता है, अदरवाइज यहाँ पे गाना वगैरह इजीली चल जाता है। मैंने आपको यहाँ पे इंट्रो में भी दिखाया है, और अदरवाइज यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही प्रीमियम सा लुक देखने को मिलता है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे स्लाइड करूँ तो स्लाइड में भी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड वगैरह कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। और अदरवाइज यहाँ पे हम बात करें डायलर पैड की, तो डायलर पैड में आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, नॉर्मल साइज देखने को मिलता है, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। अगेन मैं फिर से आपको बता दूँ, MIUI 12.5 के ऊपर अगर आपका कोई भी वर्जन है तो यहाँ पे ये काम कर जाएगा, और अच्छा आपको और भी बेटर लुक देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करें यहाँ पे सेटिंग्स की, तो यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। डिस्प्ले में जाएंगे तो इसमें यहाँ पे आपको जो कंट्रोल सेंटर को आप जैसे डिसेबल करोगे, तो कंट्रोल सेंटर डिसेबल करने के बाद भी यहाँ पे आपको और भी अच्छा खासा आपको लुक देखने को मिलता है क्विक सेटिंग्स में, जो कि नॉर्मल सा MIUI 11 का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम बैक करते हैं, और यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन की बात करें तो चार्जिंग एनिमेशन देखते हैं कि है कि नहीं है। तो जैसे ही इसमें हम लगाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, और ये वाला जो है ये एनिमेटेड आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप देख सकते हो बहुत ही मतलब अनोखा लग रहा है। यहाँ पे चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे ये अटक जाएगा ऊपर, तो बहुत ही मतलब मस्त लगता है मेरे को। और आपका क्या ख्याल है आप इस थीम के बारे में, नीचे कमेंट में कमेंट करके बता देना। तो भाई बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थीम की ओर। नेक्स्ट थीम का नाम है एब्स्ट्रैक्ट कलर। तो इसको सिंपली हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद जैसे ही आपको यहाँ पे जो आइकन वगैरह वो सब कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक मदरबोर्ड टाइप का यहाँ पे कुछ अलग सा ही मतलब बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही प्रीमियम सा आपको लुक देगा ये थीम। यहाँ पे इसका जो क्विक सेटिंग्स है आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, कंट्रोल सेंटर से कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। और इसका जो सबसे खास चेंज है वो है इसका वॉल्यूम पैनल, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम पैनल आपको यहाँ पे म्यूट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको साउंड वगैरह और यहाँ पे अलार्म वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिज़ाइन किया गया है थीम। और हम बात करें डायलर पैड की, डायलर पैड भी आपको नॉर्मल सा ही देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता एज इट इज। सेटिंग्स की और बात करते हो, सेटिंग्स में हम जाएंगे तो सेटिंग्स में आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का चेंज देखने को मिलता है, जो कि भाई मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है। यहाँ पे टॉगल्स वगैरह सेटिंग्स का वो अलग सा ही आपको चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे जो सर्च बार है वो भी चेंज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप सर्च करोगे तो कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अलग सा आपको यहाँ पे फील देगा, एक प्रीमियम सा फील देगा। अबाउट फोन की बात करें, अबाउट फोन में आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है इस थीम का। यहाँ पे ये कलर आपको चेंज देखने को मिल जाता है, और बाकी बैकग्राउंड में एक अच्छा ही आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है, जो कि भाई बहुत ही प्रीमियम लुक देता है फिर से। और यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा क्विक सेटिंग्स की, और क्विक सेटिंग्स में आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, जैसे कि डिसेबल करोगे तो यहाँ पे चला जाएगा आइकन। फिर यहाँ पे वाईफाई वगैरह आपको यहाँ पे सब कुछ अलग देखने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ वगैरह का ब्लूटूथ आपको देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन की बात करते हैं तो लॉक स्क्रीन में कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका जो लॉक स्क्रीन है वो भी भाई बहुत ही अनोखा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है, ये अला योरसेल्फ वगैरह आप यहाँ पे कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो, शायद से नहीं जी आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे
और इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप इसको लेफ्ट साइड में स्वाइप करोगे तो लेफ्ट साइड में आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि म्यूजिक वगैरह प्लेइंग हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो डेट वगैरह है, वेदर वगैरह सब कुछ शो होता हुआ दिख जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो कैमरा की, यहाँ पे कैमरा खुल जाता है और यहाँ पे अदरवाइज सब कुछ सेम ही आपको देखने को मिलता है। चार्जिंग एनिमेशन की बात करें, चार्जिंग एनिमेशन मैं दिखा दूँ जल्दी से, तो ये चार्ज मैंने लगा दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग एनिमेशन भी बहुत ही अनोखा, बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही कूल लगता है भाई। और ये वाला जो चार्जिंग एनिमेशन मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, आपका क्या ख्याल है इस तीन थीम्स के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और हाँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो मेरे ग्रुप में टेलीग्राम में, और सब कुछ मैं आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर सकते हो। इन तीनों थीम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका भाई हमेशा आपको सब कुछ देता रहता है, क्या चाहिए आपको देता रहता है, लेकिन आप एक ही चीज़ नहीं देते हो, वो है मोटिवेशन। भाई मोटिवेशन का है भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।